जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। सीएम विंडो को लेकर समीक्षा बैठक शुरू, सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ये बैठक ले रहे हैं। आईएएस राकेश गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हैं। हरियाणा निवास में ये बैठक हो रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है, आपको जानकारी दे दें, सीएम विंडो को लेकर यहां समीक्षा बैठक शुरू है। सीएम विंडो को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थी। शिकायतकर्ताओं का ये कहना था कि वो दलील तो दे रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीएम के ओएसडी भूपेश्वर जो है ये बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आईएएस राकेश गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हैं। हरियाणा निवास में ये बैठक हो रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें, सीएम विंडो को लेकर समीक्षा बैठक शुरू, हरियाणा निवास में बैठक हो रही है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें, सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ये बैठक ले रहे हैं। भूपेश्वर दयाल जो कि सीएम के ओएसडी हैं, वो बैठक ले रहे हैं। आईएएस राकेश गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हैं। हरियाणा निवास में ये बैठक हो रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक चंडीगढ़ से साझा कर रहे हैं। सीएम विंडो को लेकर समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ रवि कालीरमन चंडीगढ़ से फोनलाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये सीएम विंडो को लेकर समीक्षा बैठक है, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए सोनिया, ये जो सीएम विंडो को लेकर ये बैठक आई हरियाणा निवास में की जा रही है। आईएएस राकेश गुप्ता और सीएम के ओएसडी भूपेंद्र दयाल इस बैठक को ले रहे हैं और तमाम अधिकारी जो सीएम विंडो के ये बैठक में मौजूद हैं। इस पर क्या कुछ जो चर्चा होती है वो बैठक के बाद साफ हो पाएगा, और बैठक के बाद जैसे ही साफ होता है हम अपने दर्शकों को इस सारी खबर से रूबरू कराएंगे। जी सोनिया, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए रवि आपका। तो सीएम विंडो समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है और सीएम विंडो के जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम मसलों को देखते हैं, तमाम शिकायतों को देखते हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं।